हाय एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी एंड स्वागत है आपका एक कक्षा पर। और आज हम करेंगे एक मजेदार क्वेश्चन के पीछे का साइंस कि व्हाई घी टर्न्स इनटू सॉलिड इन विंटर्स बट ऑयल डजंट। यानी कि जो घी है वो आपका सर्दियों में जम जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, लेकिन ऐसा ऑयल्स के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हालांकि दोनों के दोनों को हम किस में कंसिडर करते हैं? फैट्स में कंसिडर करते हैं। फैट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी को कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। ये जैसे आप विटामिन्स हैं, है ना, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, तो ये उसमें एक कैटेगरी में आता है। यानी फैट्स हमारी बॉडी को जरूरत होता है और इसे हम कुकिंग में, है ना, और मतलब खाने में इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसके पीछे का साइंस कहाँ है, ये आपके दिमाग में जरूर आता होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे लिखते हैं घी, कि घी में ऐसा क्या है और ऑयल में ऐसा क्या है कि ये तो सर्दियों में जम जाता है लेकिन ये नहीं जमता। पहले देख लेते हैं फैट्स। फैट्स किसे कंसीडर कर रहे हैं? घी, ऑयल को हम नॉर्मली फैट्स बोलते हैं। फैट्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑन वन एंड। अब ये क्या है हाइड्रोकार्बन? देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जनरली बताती हूँ कि कोई भी सब्सटेंस इस अर्थ पे, कोई भी जो सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ केमिकल से मिलकर फॉर्म होता है। यानी ठीक है, यानी अगर आप नॉर्मली वाटर लेते हैं तो H2O है, इतना तो हम 10th में पढ़कर ही आए हैं। अब फैट्स का भी कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन तो होगा, तो इसमें तीन ही तरह के एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा जो एटम्स इसके अंदर होते हैं वो होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसलिए इसने क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन, बड़ी सी चेन होती है। घी इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। घी किससे बना होता है? सैचुरेटेड फैट। और ऑयल होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है? वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, जो घी, तेल या चिप्स के पैकेट्स हैं या किसी भी खाने का जो फूड, पैक्ड फूड होते हैं, उनमें लिखा हुआ होता है कि इसमें कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, ये पैकेट के पीछे लिखा होता है। तो इसमें सैचुरेटेड होने से ऐसी क्या प्रॉपर्टी आ गई और ऑयल के अनसैचुरेटेड होने से क्या प्रॉपर्टी आ गई, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि वॉट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। देखिए, सैचुरेटेड का मतलब है जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, यानी कार्बन कार्बन से मॉलिक्यूल से वो जो बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल बन रहा है ना, फैट यहाँ पे थिकनेस नहीं, फैट हम FAT ये वाला फैट नहीं, ये जो फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी कि हम इसे जो हिंदी में बोलते हैं वसा, जो कि आपके खाने के काम आती है, उसको कंसिडर कर रहे हैं फैट। तो ये है कार्बन कार्बन के जो ये एटम्स, ये लॉन्ग चेन बनती जाती है। तो अगर यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल यानी सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो वो होते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड को अगर केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां होता है डबल बॉन्ड, ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिंपल, फ्रॉम अ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू सैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स एंड कार्बन, वाइल अनसैचुरेटेड फैट्स हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स। अरे भाई, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आने से ऐसा क्या हो गया कि घी जम गया और ऑयल नहीं जमा? तो उसके पीछे रीजन है। देखिए, जब सैचुरेशन होगा यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो ये सीधी सीधी चेन चलती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, इस ऊपर को मत पढ़िए, सिर्फ ये वाली देखिए, ये है आपका सैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर आपके ये वाला बॉन्ड नहीं देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, इसको हटा दीजिए, सिर्फ आप कार्बन कार्बन के बीच देखिए, यहाँ है सिंगल 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 बॉन्ड, तो क्या हुआ, बीच में किंक, किंक यानी कोई मुड़ाव नहीं आया। यानी अगर आपको मैं सिंपली कहूं कि आपको बॉक्सेस अरेंज करने हैं रूम के अंदर, वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप सिंपली ऐसे करेंगे, इस तरह से, ये बीच में गैप नहीं छोड़ना, इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि बॉक्सेस का शेप कुछ इस तरह से है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? कोई यहां से मुड़ा हुआ है, कोई यहां से मुड़ा हुआ है, तो आप खुद ही सोचिए उस एक कमरे में जिसका सेम साइज है, उसमें ये वाले बॉक्सेस ज्यादा आएंगे कि ये वाले? तो सिंपली उसका जवाब होगा ये वाला। तो सेम यही है, ये एकदम सीधी चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किंक आ गया, एक मुड़ाव आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ देख लेते हैं। आप जब 10th में थे या 9th में थे तो हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में क्या होता है,
क्यों होते हैं वो सॉलिड? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम होते हैं, याद आया, और गैस में थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसी वजह से वो सॉलिड में। अब क्या हुआ कि ये जब सीधी चेन है तो ये पैक्ड यानी अपने नेबर्स के साथ, नेबर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे से अटैच होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। अब जो अटैच हो गया वो क्या होगा, विंटर सर्दी आते ही जम जाएगा, यानी वो है ये घी, घी में क्या है, सैचुरेटेड फैट। लेकिन यहां मुड़ गया, अटैच नहीं होंगे नेबर्स आपस में, तो ये हो गए अनसैचुरेटेड, और ये किस में है, ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अब इसको एक बार फटाफट रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। टू फॉर्म अ सॉलिड मॉलिक्यूल नीड टू पैक टूगेदर नाइसली व्हाइल इन अ लिक्विड देयर इज अ लेस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूल्स फ्लो अराउंड ईच अदर। फैट मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन्स because they are straight, they pack neatly with their neighbors. Oils generally have chains which are kinked, यानी मुड़ी हुई होती है, किस वजह से, double bond, और उसको हम क्या कहते हैं, unsaturated. This stops them interacting so tightly and so they stay liquid. Simple, that's why saturated fat molecules are solid and unsaturated fat molecules are not. एग्जाम्पल सैचुरेटेड का घी और इसका मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। सिंपल, ये है आपका आंसर। तो अपने घर में भी लोगों को बताएं कि इसके पीछे का साइंस ये है। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ आंसर्स आपको अगर जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।